यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुएं में एक सांप फंसा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, दिख नहीं रहा अभी, लेकिन यहाँ पे आनंद चिट्टी जी जो कि कुएं से सांप निकाल रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे बहुत कसरत चल रही है सांप निकालने की, रेस्क्यू करने की। यहाँ पे कुएं में जा रहे हैं, धरा धरा जिस तरीके से सांप रेस्क्यू करने के लिए आनंद जी हर वक्त अपनी जान जोखिम में डाल के सभी सांपों को रेस्क्यू करते जाते हैं, उसी तरह यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुएं में जाके शूटिंग ऊपर से निकाला जा रहा था, और देख सकते हैं जहां तक ग्रिप है वहां तक सांप आया है, इससे आगे कंक्रीट होने के कारण नहीं आया है। सबसे ज्यादा ग्रिप पकड़ने वाला है सांप होने के कारण। ये यहाँ से देख सकते हैं कुआं यहाँ से आदमी तकरीबन 10 फीट दूर है पानी, और ये जो खड़बरा जगह है अबड़ अबड़ होने के कारण इस पे से ये ग्रिप पकड़ के आराम से आ सकता है। ये काटता ज़्यादा है और लेकिन डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहरीला नहीं होता है। कवरियाला सांप आमतौर पर पाया जाता है, बल्कि सिटी में हम इसको 95% पकड़ते हैं। फिलहाल मैं अभी कुएं में हूँ तो इसको थैली का इस्तेमाल करूँगा और पकड़ूँगा। शायद बहुत सारी बातें नहीं आएगी, लेकिन आपको मैसेज जरूर पहुँचेगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये इस तरह से ऐसा हमने इसको अभी हाथ में लिया है, ये देखिए वरती वड़ा था मला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आनंद चिट्टी सांप को रेस्क्यू करते हुए कुएं से बाहर आ रहे हैं। तो इनकी पहचान के लिए दोबारा तो निकालना नहीं चाहिए, लेकिन लोगों को पता भी होना जरूरी है। मैं लास्ट टाइम में यहीं पर एक सांप पकड़ने आया था और लगभग यही सांप होने की संभावना है, क्योंकि वो गैप में चला गया था कॉन्क्रीट के घर होने के बावजूद। खुद के कॉलोनी में शिवाजी नगर में मेरे दोस्त है अनिल पाटिल करके, उनके यहाँ पर ये सांप था। और ऊपर कहाँ तक आया था आपने देखा अच्छी तरह से, कवरियाला सांप अक्सर क्रेट से मैच करता है, और यही एक बात है जो आपको दिखाने जैसी है, लेकिन कवरियाला विषैला नहीं है। करेत तो बहुत ही विषैला होने के बावजूद वो बहुत शांत रहता है, लेकिन ये बहुत काटता है। तो ये सब फर्क भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि कई कई लोग ऐसा मानते हैं कि जहरीला सांप नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि जहरीला सांप उतना ही काटता है, मतलब उसको ही लाइसेंस है काटने की, ऐसा नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा काटते हैं। और ये ऊपर से उसको अगर बैलेंस नहीं मिला है तो वो गिरा होगा, लेकिन पानी में से उसको थोड़ा सा ग्रिप मिला इसलिए वो ऊपर चढ़ा। ये कोई बच्चा बिल्कुल नहीं है, ऐसा पकड़ना भी खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये काटता ज़्यादा है। ये देखिए किस तरह से मैच करता है। बातें भी जानना जरूरी है, जहरीला नहीं है उसके बावजूद ये काटता ज़्यादा है, घर में रह के चिपकली खाता रहता है, लेकिन काटता है मतलब ऐसे नहीं काटता जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी नकल मत कीजिए। लेकिन हमें ये कुछ तो समझना चाहिए, ऐसा करने के बाद हम पकड़ने के बाद उसको काटना चाहिए, क्योंकि उसकी लिमिट हमने क्रॉस की है फिर भी नहीं काटते, मतलब हमने जैसा सोचा है
जितना खतरनाक उसको माना है उतने वो खतरनाक नहीं है। बातें कम करेंगे, अभी वो कुएं से बाहर निकला है। इसकी पहचान कैसे होती है? इससे भी ज्यादा कोरोना का यही आप देख रहे, यही पहचान है। और जितनी बार आप देखेंगे उससे आसान हो जाता है। देखिए, उसको गुस्सा जब आ रहा है तो काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप अगर उसका लिमिट तोड़ते हैं तभी वो काटते हैं। ये मैं बताना चाहता हूँ, ये सीखना जरूरी है। सांप को देखने से उसको पहचाना जाना जरूरी होता है। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब गुस्सा आए तो किस तरह से वो काटने को कर रहा है, इसलिए मैं सीधा थैली का इस्तेमाल करके उसको पकड़ लेता हूँ। तो आपके साथ कोरोना के विरुद्ध ये लड़ाई जारी है। आप हमारे अत्यावश्यक सेवा जो है जिसे इस तरह से हम दे रहे हैं, आप अपने घर में सुरक्षित रहिए और लड़ाई में एकजुट हो जाइए ताकि कोरोना का हम हरा सके। यहाँ पर रुकते, लेकिन सांपों को बचाने का डर दूर करने का सफर जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन भी दबाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी पहुँचने के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।